प्रदेश में 1 अप्रैल से फायर सीजन शुरू हो गया है। अग्निशमन विभाग के डिवीजनल फायर ऑफिसर धर्मचंद शर्मा ने बताया कि इस बार सर्दियों के मौसम में 60% तक कम बारिश हुई है, जिस वजह से इस वर्ष जंगलों में ज्यादा आग लगने की संभावना है। वहीं उन्होंने लोगों द्वारा जंगलों में बरती जाने वाली लापरवाही को ही आग लगने का मुख्य कारण बताया है। ऐसे में उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे जंगलों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरते, क्योंकि ऐसा करने से जंगलों में छोटे पौधे व पशु पक्षियों साथ साथ प्रदूषण भी फैलता है, जिससे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। ये गर्मी का सीजन लगभग शुरू हो चुका है। वैसे भी इसके फर्स्ट अप्रैल से जो है फायर सीजन के नाम से भी उसको जानते हम, तो आए दिनों काफी ज्यादा फायर केसेस हो रहे हैं फॉरेस्ट में। ज्यादातर जो सर्दी है, जो पीछे हमारा सर्दी का मौसम रहा, ये बहुत ही कम बारिश हुई है, यानी कि कोई 60% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से सूखे का एक पूरा वातावरण बन चुका है। गर्मी जबकि मौसम मार्च महीने में इतना ज्यादा नहीं होता था, मार्च महीने से ही शुरू हो चुकी है ये फॉरेस्ट फायर लगने, और अप्रैल मई जून ये तो 3 महीने रहते हैं। जंगल की आग के लिए सबसे ज्यादा खतरा रहता है जंगलों के लिए। तो जैसे कि आपने ये प्रश्न किया है कि इन दिनों में खासकर ये जब मौसम गर्म होता है या गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगना, हमारे गांव के लोगों में या जंगल के जो नज़दीक रहने वाले लोग हैं हमारे, उनमें ये एक धारणा रहती है कि अगर जंगल में पत्तियां या झाड़ियां उनको हम आग लगा देते हैं, हमारे पशुओं के लिए चारा अच्छा मिल जाता है आगे बरसात के मौसम में। तो ये भी एक कारण है, जबकि ये गलत है, एक मिथ्या कथन है कि भी जंगलों में आग लगाने से या झाड़ियों में आग लगाने से घास अच्छा आता है। इसका ये परिणाम ये नहीं जानते कि आग लगने से कितने पेड़ पौधे जो छोटे अभी जंगल में लगे होते हैं और पशु पक्षी जो वहाँ जंगलों में है उनका भी जल करके मृत्यु हो जाती है, नाश हो जाता है, जंगल का साथ साथ इतना ज़्यादा बहुत नुकसान हो जाता है। तो वहाँ नज़दीक एरिया में अगर आग लगी हो या मकान नज़दीक हो या रोड के साथ हो, वहाँ हम भी आग बुझाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की या वन विभाग की हम सहायता करते हैं, और इसीलिए कि भी ताकि हमारे जो वन संपदा या लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके और कम से कम नुकसान हो, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जंगलों को सुरक्षित रखें और हमारा पर्यावरण जलवायु ये सारा ठीक रहे, और तभी हमारा जीवन अच्छा चलेगा।